Hello students, in this video we will discuss also speaking part 1. Actually in this video we will discuss some questions regarding to the topic work or study. So जब भी आप अपनी speaking देने जाते हो so starting में intro questions में mostly examiner इस topic पे तो questions पूछते हैं है ना. Speaking ही यहाँ से start होती है कि आप work करते हो कि study करते हो. सो आज हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू वर्क और स्टडी. जब मैं अपनी स्पीकिंग देने गई थी तो मुझसे ये वाला क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछा था, डू यू वर्क और स्टडी. सो जब भी आप अपने आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो ट्राई करें कि रेलेवेंट लिंकर्स यूज़ करें. इससे आपकी स्पीकिंग नेचुरल बनती है और जो भी लिंकर्स यूज़ करोगे वो रेलेवेंट होने चाहिए आपकी लाइंस से. वेल आई हैव पास्ड माई सीनियर सेकेंडरी. अगर तो आपने सीनियर सेकेंडरी पास करके आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो देन आप बोलोगे कि आई हैव पास्ड माई सीनियर सेकेंडरी. अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन बोल देना. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन बोल देना कि मैंने ये पास किया हुआ है. आई हैव पास्ड माई सीनियर सेकेंडरी. ग्रेजुएशन वाले बोलेंगे आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बोलेंगे आई हैव पास्ड माई पोस्ट ग्रेजुएशन. सो ये तो बताया वर्क और स्टडी. सो पहले अब हम वर्क स्टूडेंट्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्क वाले भी देख लेंगे क्वेश्चन. नाउ आई एम प्लानिंग फॉर माई टर्शरी एजुकेशन. टर्शरी एजुकेशन होता है मीन्स हायर एजुकेशन मीन्स फर्दर एजुकेशन कि जैसे मैंने ये पास कर लिया एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर माई टर्शरी एजुकेशन. फॉर दैट उसके लिए आई वॉन्ट टू मूव टू कैनेडा. सो अगर आपने कैनेडा जाना कैनेडा बोल देना, ऑस्ट्रेलिया जाना ऑस्ट्रेलिया बोल देना, जिस कंट्री में भी जाना चाहते हो उसका नेम एक्सप्लेन कर देना स्पीक कर देना. फॉर दैट आई वॉन्ट टू मूव टू कैनेडा एंड देयर आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई फर्दर एजुकेशन कि मेरी टर्शरी एजुकेशन के लिए मैं कैनेडा जाना चाहता हूँ एंड वहाँ पे मैं अपनी फर्दर एजुकेशन कम्प्लीट करना चाहता हूँ. सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. एंड गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 7+ इन योर फाइनल एग्जाम देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऑन दिस चैनल आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एंड सुपर क्लासेज फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई यू वॉन्ट टू मूव टू कैनेडा. सो सी जब आप फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करोगे उसी के बेस्ड उसी के रेलेवेंट एग्जामिनर आपको अदर क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे आपने बताया ना कनाडा जाना चाहते हैं तो एग्जामिनर आस्क कर सकते हैं कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो है ना. अगर आप ऑस्ट्रेलिया बोलोगे तो वो बोलोगे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो. सो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं. टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से बता रहा हूँ I have decided to go there because of the wonderful education opportunities which are being provided there by the Canadian government. So हम आंसर करेंगे कि हम कनाडा क्यों जाना चाहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कनाडा जाने के लिए मीन्स वहाँ पे जाने के लिए बिकॉज ऑफ क्योंकि जो भी कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा वंडरफुल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है कनाडा में. सो उन वंडरफुल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के कारण मैं वहाँ पे अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ. एक्चुअली माय फ्रेंड्स आर लिविंग देयर सो दे टेंड टू टेल मी अबाउट इट्स एजुकेशन फैसिलिटीज़ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इट्स लाइफस्टाइल एंड व्हाट्स मोर. सो ऑन बोलते हैं ना हम, सो ऑन की प्लेस पे हम व्हाट्स मोर यूज़ करेंगे. इसका मीनिंग भी सो ऑन की तरह ही होता है. सो कि एक्चुअली असल में मेरे ना फ्रेंड्स वहाँ पे लीव कर रहे हैं एंड वो मुझे यूजली की प्लेस पे हम यूज़ करते टेन टू कि वो मुझे अक्सर उसकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, कनाडा की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन. सो इन कारण के कारण मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ. सो हम एक्सप्लेन करेंगे. सो ऑइंग टू all these reasons as well as my bright future I want to go there. so हमने इधर reasons explain करे ना. so हमने write किया so owing to का meaning होता है due to की vocab होती है owing to कि इन सभी कारण के करके plus मेरे अच्छे future के लिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ. ठीक है, bright future भी बोल सकते हो, for my brighter future भी बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप स्टडी का आंसर दे रहे हो तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. सो आप जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो बोल सकते हो, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, कुछ भी, है ना। मैंने एक एग्जांपल दी है मैथ्स की, सो कैसे आपने आंसर देना है। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऑल्सो इट इज़ यूज़फुल इन आर डेली लाइफ, कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है एंड ये सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ में भी यूज़फुल है। वैन एवर वी गो आउटसाइड फॉर शॉपिंग देन नॉलेज ऑफ मैथ्स इज़ अ मस्ट, कि जब भी हम आउटसाइड जाते हैं शॉपिंग के लिए देन मैथ्स की नॉलेज तो होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी हैव गुड कमांड एट दिस सब्जेक्ट देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द थिंग्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। सो बोल रहे हैं कि अगर हमें मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज है जब भी हम आउटसाइड जाते हैं शॉपिंग के लिए, और आप ऐसे भी बोल सकते हो अदर वर्क के लिए, देन अगर हमें प्राइस वगैरह कैलकुलेट करना होगा तो हम ईज़िली कर पाएंगे, है ना, अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, दो बार फ्रॉम राइट हो गया मिस्टेकनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, मैथ्स इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर एंड आई हैव कीन इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट सिंस माई सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा मैथ्स एवरीवेयर ही रिक्वायर्ड है एंड मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्ट है मेरी सीनियर सेकेंडरी से ही। सो अगर आपने कंप्यूटर बोलना, कंप्यूटर के बारे में बोल देना, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है। सो और एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकते हैं अगर आप स्टडी के आंसर दे रहे हो? हमने जस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस आस्क करे, इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, अगर वो बोलेंगे कि आपका स्कूल में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसके लिए भी आप अबव आंसर को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जामिनर में आस्क व्हाट आर योर फ्यूचर स्टडी प्लान्स, कि आपके फ्यूचर स्टडी प्लान्स क्या है। सो आंसर इज़, इफ़ आई टॉक अबाउट माई टर्शरी एजुकेशन, कि मैं अगर अपनी टर्शरी एजुकेशन के बारे में बात करूं, और वी कैन से माई फर्दर एजुकेशन, देन आई वुड से कि मैं ये बोलूँगा आई विल कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट। अगर तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कम्प्लीट करनी, सो उस सब्जेक्ट का आप नेम एक्सप्लेन कर देना, कि अगर मैं अपनी फ़र्दर एजुकेशन के बारे में बोलूँ देन मैं इस सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन करूँगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी तो वो सब्जेक्ट का बोल देना कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा मैं। एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर की ले लेते हैं, कि अगर आपने कंप्यूटर में करनी फ्यूचर स्टडी प्लान बताना है ना आपने, सो जो भी आपने एजुकेशन नेक्स्ट करनी उसको एक्सप्लेन करना है। सो कंप्यूटर का देख लेते हैं, कि अगर आपने कंप्यूटर में करनी है तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी यूज़फुल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, कि ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी यूज़फुल है लाइफ के एवरी स्फीयर में, ठीक है, और वी कैन से दिस सब्जेक्ट इज़ यूज़फुल एवरीवेयर। आफ्टर माई ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको बोल देना आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और वी कैन से आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई वुड ट्राई टू गेट अ वेल पेड जॉब इन द सेम फील्ड, कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अच्छी सी जॉब फाइंड करूँगा, लेने के लिए ट्राई करूँगा सेम फील्ड में, मीन्स कंप्यूटर की फील्ड में ही। एंड देन आई वुड गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू माई पेरेंट्स फॉर देयर बेटर लाइफ स्टाइल, कि जॉब लेने के बाद जैसे आपकी सैलरी आएगी तो देन अब हम बोल सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट दूंगा उनके बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। इन एडिशन आई वुड ऑल्सो मेक माई फ्यूचर ब्राइटर, कि पेरेंट्स को तो करेंगी हेल्प, है ना, एंड मैं अपना फ्यूचर भी ब्राइट बनाऊँगा, और सो वी कैन से आई वुड ऑल्सो मेक माई फ्यूचर ब्राइटर। सो ये तो थे स्टडी के स्टूडेंट्स ने कैसे आंसर देने हैं। अगर कोई वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसका कैसे देंगे, डू यू वर्क और स्टडी, जब एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे सो उसके लिए हम बोलेंगे करंटली, मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं करंटली। करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, अगर तो कोई टीचर है तो वो कैसे आंसर देंगे, आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल विच इज़ सिचुएटेड नियर आर होम टाउन, कि प्रेजेंट एट प्रेजेंट मैं एक टीचर की जॉब कर रहा हूँ। सो किस स्कूल में, कि एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रहा हूँ जो कि मेरे होम टाउन के नियर ही है स्कूल। आई लव दिस प्रोफेशन, मैं इस प्रोफेशन को बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। आई एम ट्राइंग टू, एक सेकेंड, वीडियो पॉज होगी थी, सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन। डू यू वर्क और स्टडी, करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल विच इज़ सिचुएटेड नियर आवर होम टाउन, सो मैं करंटली एट प्रेजेंट एक टीचर की जॉब कर रहा हूँ एक स्कूल में जो कि मेरे होम टाउन में सिचुएटेड है। आई लव दिस प्रोफेशन, मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। आई एम ट्राइंग टू गिव माई लेवल बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज इन दैट स्कूल, कि मैं अपना बेस्ट लेवल देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, देने का ट्राई कर रहा हूँ एंड बेस्ट सर्विसेज दे पाऊँ सो दैट कि मैं उस स्कूल में अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाऊँ। सो अगर तो टीचर वो है कोई, वो टीचर का टीचिंग प्रोफेशन का एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं वो बैंकिंग का बता सकते हैं। सो अगर आप जॉब का बताओगे दैन एग्जामिनर में आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक आपका स्टाफ कैसा है, आपके वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज़ वर्क और स्टडी। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।